ओके, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं। आशीष तुम फिर से क्वेश्चन रिपीट करो तो बेहतर रहेगा। सर, से गोल्ड से बना हुआ जैसे घर है, तो उसको सर जैसे मान लो मैं रेंट पे लेता हूँ तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ना? ओके, तो देखिए यहां पर क्वेरी यह है कि अगर गोल्ड से बनाए घर है, आप इसको अगर रेंट पे देते हो तो रेंट पे देने के बाद आपको इनकम आती है, और ये इनकम जो आपकी आई ये किस में टैक्सेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे या कैपिटल गेन में करेंगे? क्वेश्चन यही है पर तुम्हारा? हाउस प्रॉपर्टी। जी सर, ओके, तो क्वेश्चन ये है, तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से किस में होना चाहिए टैक्सेबल, सोने से बना सर घर, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी? बाकी लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि आप इस सोने से बने हुए घर को किस में टैक्सेबल करोगे, एंड विथ रीजन। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही आंसर आया, हाउस प्रॉपर्टी। बाकी लोग प्लीज रिप्लाई कीजिए किस में करोगे टैक्सेबल। अरे जो भी आपके मन में आ रहा है वो तो बताओ, किस में टैक्सेबल करेंगे? ज्वेलरी। ज्वेलरी? ओके, मतलब कैपिटल गेन में जाना चाहिए बोल रहे हो ना आप? यस ओके, एंड बाकी लोग? मैं सबका आंसर जानना चाहूंगा उसमें। कैपिटल कैपिटल गेन होगा सर, गेन? ये ओके, घर नहीं है ये। जी घर नहीं है, स्वर्ण महल है ये, स्वर्णकार का स्वर्ण भवन है ये वाला। या यस, तो दिस इज सिंपली, मेरे हिसाब से ये वाला सर, या तो HP या तो अदर्स उसमें जाना चाहिए। ये है स्वर्णकार का। सर लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, सिर्फ रेंट पे दे रहे हैं, तो फिर हाउस तो रेंट प्रॉपर्टी में में भी जाना चाहिए। सर, रेंट में सर सोना दे रहे एक तरह से देखा जाए तो, अदर्स उसमें तो जा सकता है ये। एग्जैक्टली। देखिए अब यहां पर पहली बात, कैपिटल गेन में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्यों नहीं जाएगा? आप लोग आज हमारा क्लास का बेसिक पार्ट भूल गए, सेक्शन 45 सबसेक्शन नहीं, 1 क्या कहता यस सर, है कि भैया ये क्योंकि कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना नहीं हो रहा चाहिए। है सेट। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, समझ में आया ना आपको? तो इसीलिए कैपिटल गेन लगेगा नहीं। अब बात आती है इसे जो रेंट मिल रहा है, वो रेंट किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा सर, अभी तक तो ऐसा कुछ हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। जितना जो प्रोविजन अभी है इनकम टैक्स का उसके हिसाब से इसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट लेंगे। अब अगर मान लीजिए क्योंकि सर ऐसे, हाउस प्रॉपर्टी में आप पढ़ाए थे ना कि इसके घर के साथ जो भी मिलेगा वो इंक्लूड होकर के हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा, लाइक गार्डन या फिर बेसमेंट एरिया, तो उस हिसाब से ये गोल्ड भी वो उसी के अंदर जा रहा है। नहीं, सुनो सुनो, वो ऐसा कुछ था कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ, अगर मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी है उसके साथ अगर फर्नीचर है, ठीक है, ये इसके बदले में अगर आप कुछ रेंट लेते हो तो इस रेंट को कौन सा रेंट बोलते थे? कॉम्पोजिट रेंट बोलते थे। और अगर आप इस कॉम्पोजिट रेंट को अलग अलग कर सकते हो, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का कितना रुपया, फर्नीचर का कितना रुपया, ऐसे अगर कर सकते थे तो ये वाला आपका जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल और ये आपका जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर आप इसको बायफर्केट नहीं कर पा रहे हो तो सारा का सारा कॉम्पोजिट रेंट किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले केस में अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो आपको असेसिंग ऑफिसर पहले, आप तो किस में दिखाओगे? आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओगे इसको। अब अगर असेसिंग ऑफिसर आपको बोला कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, तो भैया अब आपको उसको जस्टिफाई करवाना है। एट दिस मोमेंट ऐसा कुछ केस है नहीं, फ्यूचर में अगर आएगा और अगर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट डिसाइड करेगा डिफरेंट फैक्ट को लेकर कि भैया आप किस चीज, आपका इंटेंशन क्या है। आप मेरे को सीधा सा बात बताओ, एकदम बेसिक बात बताओ कि कौन बेवकूफ सिर्फ गोल्ड को भाड़े पे देगा? भैया मैं गोल्ड अगर भाड़े पर रख के मैं क्या करूंगा, पहले ये बताओ। क्या कभी आपने ऐसा कोई इंसान देखा है जो भाड़े में सोना लेके आता है, उसको अपने पास रखता है और 1 महीना के बाद वापस सोना देके आ जाता है और बदले में उसको पैसा भी देता है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। तो भैया आप जो उसको घर दियो वो उसका नेचर क्या कहलाएगा? उसका नेचर घर ही कहलाएगा और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। बिकॉज आज तक कभी भी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि आप सोना भाड़े पे देते हो किसी को, समझ में आया आपको? समझ में ओके है ना? दिस इज अ फैक्ट। तो कोर्ट जी में ये सर, जब फैक्ट आएगा कि भैया सोना कोई ऐसे भाड़े में लेता नहीं है, और ये करेगा क्या इस घर को सोने का रख के, करेगा क्या? कुछ काम नहीं आएगा, है ना? वो चीज है। देन हाँ, अब अगर मान लो इसको थोड़ा सा और में अच्छा क्वेश्चन निकला है कि इसी सोने का
सोने को भाड़े पे भी दिया जा सकता है। बोले कैसे? मान लीजिए कि ये एक सोने का हार है, ठीक है, और हमारा इंडिया में बहुत सारा फंक्शंस होते रहता है, जिस फंक्शन में जो हमारी लेडीज वगैरह हैं वो ज्वेलरी पहन के जाना पसंद करती हैं कि थोड़ा सा शो ऑफ हो जाए और दिखे कि अरे वाह इसके पास इतने अच्छा अच्छा हार है। तो मेरे अब नया नया कौन खरीदे, नया खरीदने जाओगे इसकी कीमत 5 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी के आर्टिकल रखे, आप जाइए और सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप किसी फंक्शन में जाओगे कितना दिन के लिए जाओगे, 2 घंटे के लिए मान लो, आप 2 घंटे के लिए हार ले जाइए मुझसे और मुझे सिर्फ 20,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है। तो आप मेरे पास आए, मैंने आपको ये रेंट पे दे दिया, आप 2 घंटे के लिए लेके गए, 20,000 रुपये मुझे दे दिए, और जब वापस आए मुझे ये वापस कर दिए, तो इस केस में ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा, समझ में आया आपको। लेकिन मान लीजिए मेरा बिजनेस ही यही है, मैंने अपने आप को, मेरे बिजनेस को रजिस्टर्ड ऐसे करा है कि मैं ज्वेलरी को रेंट पे देता हूँ, मैं ज्वेलरी को रेंट पे देता हूँ, तो उस केस में ये मेरा इनकम पीजीपीबी में जाएगा, समझ में आ गया आपको। तो हर एक चीज का ना सिर्फ जी सर, मतलब क्या, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, आपके सामने जो हो रहा है आप उसको ऊपर ऊपर से देखो मत, उसका अंदर उसका नेचर जानने की कोशिश करो, आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। फटाफट बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया, डाउट क्लियर हुआ? जी सर, एक अच्छा खासा डिस्कशन था जहां पर हम पुराने चैप्टर में भी उसको लिंक किए, चैप्टर था हमारा हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा हमारा चैप्टर था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हमने जो जो पढ़ा था सबने सबको हमने कवर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, ज्वेलरी की। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स एज वेल एज स्टोन, एंड ऑर्नामेंट मतलब किसके, जो गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के, या महंगे मेटल के बने होने चाहिए, या फिर किसी भी महंगे दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाकर कोई एलॉय बनाए होंगे, उस एलॉय का बना होना चाहिए, या फिर आप स्टोन हो, प्रेशियस स्टोन हो, सेमी प्रेशियस स्टोन हो, या फिर आप उन स्टोन को किसी जगह फिट कर दिए हो, चाहे आपका वो फर्नीचर हो इस तरीके से, या आपकी एक तो डायमंड की घड़ी हो उस तरीके से, आप आजकल तो डायमंड का मोबाइल फोन भी आता है, तो मोबाइल फोन में आप सारा का सारा उसका बैक कवर में आप डायमंड फिट करा दिए हो, तो वो भी फिर वो नॉर्मल कवर नहीं कहलाएगा, वो आपका ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक का? जी ओके, तो अब हम कुछ कुछ इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं एक दो ठो केस स्टडी इसी से रिलेटेड, और मैं जानना चाहूंगा आप लोग का विचार उसके ऊपर। केस स्टडी, पहला केस किसका हुआ था एला? ये केस हुआ था हमारा, केस का नाम है हिम्मत लाल सी वालिया, हिम्मत लाल सी वालिया, ठीक है। मैं आपको केस का यहाँ पर फैक्ट बताता हूँ, फिर आप लोग से पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। आप लोग सब तैयार हैं एक अच्छे से डिस्कशन के लिए? यस सर। जी तो देखिए, हिम्मत क्या है ये? अतिथि अतिथि देवो देवो भव। भव। अतिथि देवो भव, ये हमारे प्राचीन भारत का एक बहुत ही अद्भुत, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक कोटेशन बोल लो, समझ लो एक संस्कार समझ लो, गेस्ट अगर आ गए कोई, उसको हम भगवान की तरह मानते थे, करेंटली ऐसा नहीं मानते, सिचुएशन चेंज हो गई है, बहुत लोग इसको नहीं ऐसा मानते, बट अतिथि देवो भव ये हमारा इंडिया का संस्कार है, कि अगर आपके घर कोई अतिथि आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तो जिस तरीके से आप भगवान की सेवा करते हो उसी तरीके से आप क्या करोगे, आप अपने गेस्ट की सेवा करोगे, ऐसा पहले बहुत रीति रिवाज में चलता था। तो हिम्मत लाल के घर में क्या हुआ, कुछ गेस्ट आए,
कुछ गेस्ट आए, उसने क्या किया, उन गेस्ट को क्या चीज बना रहा हूँ मुझे बताइएगा, ठीक है ना, लिखता हूँ, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा सोने रहे। का थाली और ग्लास, चांदी का थाली ग्लास, यस व्हाइट है ना, सिल्वर। तो उसने क्या किया, उसने सिल्वर यूटेंसिल्स में, चांदी के बर्तन में, उसने उसको क्या कराया, उनको खाना दिया, डिनर वगैरह परोस के दिया, ठीक है। वो ये कोई भी गेस्ट आता तो उनको ये चांदी के बर्तनों में खाना परोस कर देता था। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि उसको इन यूटेंसिल्स को बेचना पड़ गया, ठीक है। अब जब बेचा तो जो हमारा इनकम टैक्स का एसेसिंग ऑफिसर है उसने कहा कि भैया आपने एक कैपिटल एसेट को बेचा, आपने ज्वेलरी बेची है, आपने ज्वेलरी बेची है एंड ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट होती है, हैंस इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हिम्मतलाल बोलता है कि भैया ये तो मेरा पर्सनल यूज वाला था, मैं तो इनको पर्सनल यूज किया करता था, इसमें बैठ के खाना खाता था, और जहां तक मुझे पता है पर्सनल इफेक्ट के ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। दोनों में झगड़ा चल रहा है। एसेसिंग ऑफिसर बोलता है ये ज्वेलरी है, इसको बेचने पर टैक्स लगेगा। एसएससी बोल रहा है ये तो मेरा पर्सनल यूज है, हम टैक्स नहीं देंगे। आप लोग बताइए, आप हो जज, आप लोग क्या करोगे? टैक्स लगेगा, और लोग क्या बोल रहे हैं बताइए, क्या जीतेगा? मतलब ये ज्वेलरी है, सिल्वर का बर्तन, ज्वेलरी है तो भैया इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हो इससे? जी सर। सारे के सारे, क्या कोई दूसरा आंसर देना चाहेगा? क्या कोई दूसरा आंसर देना चाहेगा? मैं आपको ये केस स्टडी डिस्कस करने से पहले ही आपको इसका आंसर दे चुका हूं, जो हम डिस्कस किए हैं आज का हमारा जो भी सेशन, उस डिस्कशन में हमारा आंसर छुपा हुा है। बताइए क्या हम इसको सर, अगर पर्सनल यूज भी होता है तब भी वो, मतलब अगर सेल कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन ही हुआ। ओके एक अच्छा आपने बेस रखा कि अगर हम इसको बेच भी रहे हैं तब पर्सनल इफेक्ट भले क्यों ना हो, क्योंकि ये सिल्वर जैसा एक महंगा कुछ एक मेटल आ गया इसमें, तो हम इसको ज्वेलरी मानेंगे एंड इसको बेचने पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। आप भी एसेसिंग ऑफिसर की तरह सोच रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं कहता हूं कि नहीं भैया पर्सनल इफेक्ट है इसमें, मैं डेली बैठ के खाना खाता था डेली, और ये मेरा प्रैक्टिस है कि कोई भी अगर अतिथि आता था तो गेस्ट को मैं चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता था, चांदी के बर्तनों में उसकी सेवा करता था, तो भैया मैं तो ये पर्सनल इफेक्ट मानूंगा, टैक्स नहीं दूंगा। अगर सर ऐसा होता तो सर मास्क भी तो फिर पर्सनल मास्क में भी तो टैक्स लगना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर ऐसे होता तो मास्क के ऊपर भी लेना चाहिए था। ओके, बात जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने देखा कि इंडिया में सबसे पहली बात ये एक चीज है, अतिथि देवो भव, अतिथि को आप उसका आदर सत्कार करते हो। इस पॉइंट को अगर हम भूल भी जाएं, मोर ओवर इंडिया में ये भी एक कल्चर है कि अगर आप चांदी के बर्तन में अगर खाना खाते हो तो वो खाना बहुत फायदेमंद होता है, वो खाना फिर आपका इक्विवेलेंट टू अमृत होता है, ऐसा हमारा इंडिया में कल्चर है। पहले भी लोग चांदी के बर्तन को यूज किया करते थे, चांदी के यूटेंसिल्स को यूज किया करते थे टू सर्व फूड, और उसमें खाते थे। सो इंडिया में ऐसा कल्चर है कि चांदी के बर्तन को आप नॉर्मल खाने के लिए बर्तन की तरह यूज करते आए थे और करते भी हैं बहुत जगह, तो इसीलिए हेंस इवन दो यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने जो एक्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको हम ज्वेलरी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आपका पर्सनल इफेक्ट में ज्यादा कवर कर रहा है रेदर देन ज्वेलरी। यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ ज्वेलरी।
तो हेंस इसको बेचने पर इसको पार्शियल इफेक्ट का बेचना माना गया और इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगा। क्या आप लोग इस बेस से सहमत हो जो कोर्ट ने बताया? यस सर। नहीं सर। इंडिया में ऐसे होता है, इंडिया में ऐसे होता है, आप उसको कैसे मना कर सकते हो? इंडिया में चांदी के बर्तनों में आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई चांदी के बर्तन में खाना खाना चाहिए, वो बहुत अमृत होता है। इसीलिए बहुत बार देखोगे जब कोई किसी के घर में कोई बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो उसको चांदी की चम्मच से उसको पहले बार उसको पानी पिलाया जाता है। बहुत जगह ऐसे भी होता है। तो इंडिया में चांदी के बर्तन का एक अपना एक अलग महत्व है। लोग इसको अपना डाइनिंग में यूज करते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। एंड जस्ट बिकॉज इसी फैक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स तो बाद में आना भाई, इनकम टैक्स कब पैदा हुआ? 1961, ये जो हम पढ़ रहे हैं। हालांकि 1800 सेंचुरी में कुछ बन गया था, लेट 1800 सेंचुरी में, बट स्टिल हमारा जो जो विरासत है, जो कल्चर है, वो तो कई हजारों साल से चलते आ रहा है। कई हजारों साल से चांदी के बर्तन में लोग खाना खाना शुरू कर दिए थे, खाते थे। ऐसा तो नहीं ना कि जैसे ही इनकम टैक्स आया तो इनकम टैक्स बचाने के लिए मैं चांदी का बर्तन बना लिया और उसमें अपना ऐसे शोबाजी कर रहा हूं मैं। तो जो बहुत सारे फैक्ट देखा गया, फैक्ट के हिसाब से ये पाया गया कि नहीं भैया, इंडिया में चांदी के बर्तन में लोग खाना खाते थे, तो चांदी के बर्तन को हम इसको क्या मानेंगे। और मोर ओवर, ये जो आदमी है ये नॉर्मल क्या करता है, कोई भी गेस्ट आता तो गेस्ट की सर्विस के लिए चांदी के बर्तन यूज करता है। इट इज अ जर्नल प्रैक्टिस ऑफ द SSC कि वो उसको पर्सनल इफेक्ट की तरह ज्यादा यूज कर रहा है, एंड हेंस उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम ज्वेलरी नहीं मानेंगे, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा जो इफेक्ट है वो पर्सनल इफेक्ट है। समझ में आया आपको? सर तो फिर मास्क वाले केस में भी वही होना चाहिए, वो भी तो पर्सनल यूज कर रहे हैं। आऊंगा उस चीज के ऊपर भी आऊंगा मैं, बट पहले बताइए यहाँ तक। सर अभी तो ये रिसेंट है ना, वो रिसेंट है, तो बहुत दिन से। एग्जैक्टली, मास्क वाला जो ये है ये भी रिसेंट है, और ये मोर और लेस आपको भी पता है, दिस इज नथिंग बट अ शोबाजी। गवर्नमेंट कहता है कि 3 लेयर वाला आप मास्क पहने जो आपको बचाएगा, बट सोने में से कहा, अगर आप सोने का मास्क पहने तो सांस नहीं ले पाओगे भाई, आपको उसमें फिल्टर करने के लिए आपको उसमें सांस लेने के लिए फिल्टर करने के लिए होल करना पड़ेगा, एंड द मोमेंट आप अगर होल करोगे तो कोरोना तो उसी होल से घुस जाएगा। सर वेट फिर ज्यादा रहे ऑब्वियसली। तो दिस इज यहाँ पर जो हो रहा है, ये एक तो शोबाजी वाला फीलिंग पूरा कम्प्लीटली पता चल रहा है। इट इज नॉट अ जनरल प्रैक्टिस टू वियर अ गोल्डन मास्क टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना, है ना। कोरोना से बचने के लिए मैक्सिमम जो जनरल प्रैक्टिस है, व्हाट इज जनरल प्रैक्टिस? टू वियर अ कॉटन वाला 3 लेयर वाला मास्क। इट इज नॉट अ जनरल प्रैक्टिस टू वियर अ गोल्ड मास्क। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर जनरल प्रैक्टिस देखा गया कि लोग चांदी के बर्तन में जनरल लोग आराम से खाते ही हैं, दिस इज जनरल प्रैक्टिस। समझ में आया ना? हमेशा हम अगर एक्ट को पूरा रिजिड अगर कर दें तो नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? सर पर राजा महाराजा के टाइम से ना वो ड्रेस में भी मतलब चांदी और सोने का वो सब लगाते थे, तो वो भी तो पहले से चले आ रहा है। अगर अभी भी हम उस चीज को यूज करें फिर उसको बेचे तो वो भी पर्सनल यूज होगा। फिर आप जस्टिफाई करवा के दिखाओ, राजा महाराजा इक्का दुक्का रहा, राजा महाराजा इक्का दुक्का कैसे जाएगा? वो प्रीवियस टाइम से चल रहा है, मैं वैसे बोलूं तब इनकम टैक्स नहीं था जैसे। हाँ ठीक है, आप आज के टाइम में अगर उसको बेचोगे तो यहाँ पर उसको वो क्या बोलेगा, मतलब उसको टैक्स करेगा ही करेगा। अब आपका ड्यूटी उसको कैसे जस्टिफाई कराओगे? अगर ऐसा कुछ केस हो जाता है और आप उसको जस्टिफाई कर दे रहे हो तो फिर आप कैसे जीतोगे? लेकिन अगर आप सर बोलो सर, इनकम टैक्स जब आया सर, वो राजा महाराजा जमींदार वो सब उन लोगों से मतलब ले गया ना कुछ कुछ, मतलब गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट लिया था। हाँ लिया था, उनसे प्रॉपर्टी वगैरह बहुत सारा लिया था वो चलाने के लिए। तो बस मेरा क्वेश्चन ये, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर राजा महाराजा का जैसा ड्रेस में सोना लग के आता था, अभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो भैया सिंपली केस टू केस वेरी करेगा कि अगर वो राजा, देखो वो राजा अगर ये प्रूफ कर दे कि भैया मेरा तो पूरा एकदम बहुत वर्षों से मैं जनरल, मैं हमेशा सोने का ये कपड़ा पहनता हूँ, दिस इज माय जनरल प्रैक्टिस, अगर उसको प्रूफ कर दे, और उसका जो एडवोकेट है, मोर ओवर जो राजा के बिहाफ में जो एडवोकेट है, अगर ये साबित कर दे कोर्ट में कि ये ज्वेलरी नहीं ये पर्सनल इफेक्ट है, तो वो केस जीत जाएगा। और अगर वो बेवकूफ जैसा कोई अगर एडवोकेट गया और अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाया तो राजा केस हार जाएगा। बात सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की है, आपका एडवोकेट किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है उसके अकॉर्डिंगली जज अपना डिसीजन सुनाएगा और आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा। और इसी चीज के ऊपर हमारा नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो पूरा इससे रिलेट करेगा, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया?
जी सर। सर यस और एक सर, चीज तो है यस सर, बोलो। सर, आप इसके पहले जो बताए थे कि जो सोना वगैरह किसी में जैसे चेयर में लगा दिए कि किसी में लगा दिए, और मतलब उसका इंटेंशन जैसे पता चल रहा था, तो सर ज्वेलरी में चला जाएगा बोल के। मान लीजिए सर, कोई एक तो मेरे पास मान लीजिए महंगा गाड़ी है, कोई एक तो रोल्स रॉयस है मान लीजिए, और उसमें से कंपनी के तरफ से कोई छोटा सा पार्ट में 50,000 का सोना मान लीजिए लग के आ रहा है, तो क्या ज्वेलरी में जाएगा? तुम क्या छोटा सा वो पार्ट्स जो उसको निकाल के बेचोगे क्या, कि पूरी गाड़ी बेचोगे? और पूरा गाड़ी अगर बेचूंगा तो किस में जाएगा वो? पूरा गाड़ी बेचोगे, पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा, कार को कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा पार्ट में लगा हुआ है। लेकिन अगर मेजोरिटी पार्ट में अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है, कि 50,000 का तुम बोल रहे हो ना, 50,000 इज नॉट अ मटेरियल अमाउंट एज कम्पेयर टू दैट रोल्स रॉयस का पूरा हाँ, वैल्यू। क्योंकि रॉल्स रॉयस के हिसाब से, हाँ हाँ, उस हिसाब उसके से हिसाब से वो बोलो। कार में कवर हो जाएगा, ठीक अच्छा है। हाँ, अब देखिए, तो चलिए इस केस स्टडी का क्या कंक्लूजन निकला उसको लिख लेते हैं। फटाफट लिखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला वो लिखिए। सिल्वर यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट एंटरटेनिंग गेस्ट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज आर्टिकल्स held for personal use यहां पर पर्सनल यूज के ऊपर ज्यादा दबाव था, इसलिए केस का डिसीजन कुछ अलग हुआ। ठीक है, जी सर। अब आपको कुछ दिन पहले का मेरा डिस्कशन याद है कि सेम फैक्ट रहेगा बट जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज उसको किस एंगल से देख रहा है, किस एंगल से उसको सोच रहा है, ठीक है। तो हाँ, हाई जज कोर्ट केस अगर, में जैसे। यस, जज अगर उसको अगर कुछ जो डिसाइड कर देगा वो फिर उसमें डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का फिर नेक्स्ट जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल केस, मैं आपसे 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा चाहूंगा उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना ये हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। जिसको लेट हो रही है वो चाहे तो क्लास से बीच में जा सकता है, कोई इशू नहीं। देखिए, दूसरा जो केस है वो है हमारा महाराजा राणा हेमंत सिंह, हेमंत सिंह जी, ठीक है, महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। वेल, ये जो आपका केस था ना, ये आपका हाई रुको, ये जो केस था ना, ये आपका गुजरात हाई कोर्ट का केस था, और ये जो केस है ये आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट, बात सुप्रीम कोर्ट तक चले गया था, सोच रहे हो? मतलब पहले नॉर्मल इनकम टैक्स एपीलेट में गया होगा, फिर आपका नॉर्मल कोर्ट में, फिर आपका हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। बात भैया महाराजा राणा हेमंत सिंह जी थे भैया, मजाक थोड़ी ना कुछ। इनका केस में क्या डिसाइड हुआ पहले आपको वो लिखा देता हूँ। नहीं, वो नहीं लिखाऊंगा मैं, आपको पहले बताऊंगा हुआ क्या था। थोड़ा सा समय दीजिए, प्लीज डोंट गेट पैनिक। भूख अगर आपको लगी तो भूख मुझे भी लग रही है, ठीक है ना, आपसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, बट स्टिल मैं अगर समय दिया हूँ तो आप भी प्लीज पेशेंस के साथ अपना समय दीजिए। अब यहाँ पर केस क्या हुआ सुनिए। यहाँ महाराजा ने गोल्ड एंड सिल्वर
कॉइन्स एंड बार्स, सोने चांदी के बार्स और कॉइन्स या गोल्ड के यूटेंसिल्स, ये सब उसके पास थे। वो इन सबको यूज करते थे किस चीज में, उनके घर में जब जब पूजा होती थी वो उसको यूज करते थे। मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया मैं इसके ऊपर मेरा पर्सनल इफेक्ट आ रहा है, इसको मैं पर्सनली घर की पूजा में यूज करता था, राजा ने इसको सेल किया। सेल करने के बाद पैसे मिले, तो जो एसेसिंग ऑफिसर है वो कहता है कि ये ज्वेलरी है तो हैंस टैक्स लगेगा। एंड जो राजा है, राजा हेमंत राणा सिंह जी, ये कहता है भैया ये पर्सनल इफेक्ट है तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, राजा के घर में कुछ बर्तन थे, कुछ थाली थी, ठीक है, कुछ थाली थी, कुछ गोल्ड कॉइन्स थे, कुछ मान लो सोने का त्रिशूल जैसा था काइंड ऑफ, तो ये सब उसके पास थे। इसने जब उसको बेचा, पैसा आया, एओ कहता है इट इज ज्वेलरी हैंस टैक्सेबल, राजा जी कहते हैं, हेमंत जी कहते हैं इट इज ऑफ पर्सनल इफेक्ट हैंस नो टैक्स। आप लोग क्या कहते हो बोलो। सर, पहला वाला केस स्टडी को देख के सर नो टैक्स, हाँ सर, अगर पहले वाले केस को देखे नो तो टैक्स होगा, नो राजा है ना टैक्स, सर। पर्सनल यूज तो होगा फिर। और पहले वाला केस और स्टडी भगवान को जैसे माना गया था, इसमें तो डायरेक्ट भगवान को चढ़ा रहे हैं। हाँ, पूजा में यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में मैंने क्या कहा, बात अगर आपको केस को बदलाना है तो एक तो जज टू जज डिफर करेगा, दूसरा आपका एडवोकेट कैसा है वो डिफर करेगा। इस केस में राजा जी हार गए। यहाँ पर डिसाइड ये हुआ कि गोल्डन कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड बार्स जो आप पूजा वगैरह में यूज करते हो, दीज आर कैपिटल एसेट, आप उसको पर्सनल यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको पर्सनल यूज नहीं कर रहे हो, ना ही आपका कोई फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, आप इसको पहन नहीं रहे हो, आप इसको एज ए वियर नहीं कर रहे हो, आप इसमें खाना नहीं खा रहे हो। बिकॉज जब ये कंक्लूजन दिया गया कि मैं सोने की थाली में खाना खाता हूं, हैंस इट इज नॉट टैक्सेबल, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि सुनिए, सोने की थाली में गोल्ड यूटेंसिल्स नेवर एवर बी यूज्ड फॉर डाइनिंग, सोने के बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, बिकॉज ऐसा बोला गया है कि सोने के बर्तन में अगर आप खाना खाते हो तो दैट फूड बिकम्स पॉइजन, लेकिन आप चांदी के बर्तन में खाओगे तो दैट बिकम्स अमृत, तो इसीलिए हैंस प्रूव ये जो थाली है इसके ऊपर आपका पर्सनल इफेक्ट कुछ नहीं है, आपका, क्योंकि एक्ट क्या कहता है, आपका पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए या आपके फैमिली मेंबर का, कैसे आप उसको यूज कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो ये जो बर्तन है या सोने का जो थाली है या सोने का चांदी का जो कॉइन है या पूजा में यूज करते थे, भगवान के चरणों में रख देते थे, आपका पर्सनल यूज हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, तो जब इसके बाद आपका पर्सनल यूज ही नहीं हो रहा, हैंस दीज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट वाले आइटम, हैंस दीज आर कैपिटल एसेट्स एंड द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स अमाउंट्स टू कैपिटल गेन टैक्स। समझ में आया आपको, जी सर, देखे यस ना, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर जा रहा है, ये प्रूफ कर ही नहीं सका क्योंकि इसने भी वही वाला रेफरेंस लिया कि मैं सोने की थाली में खाना खाता हूं, वो ऐसा झूठ मूठ बोलना चाहा, बट द फैक्ट इज सोने के बर्तन में खाना नहीं खाते। समझ में आपको, तो चलिए इस वाले केस में जो हमारा डिसीजन हुआ उसको भी लिख लेते हैं और फिर आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए क्या कंक्लूजन निकल के आया, लिखिए, गोल्ड एंड
सिल्वर, कॉइन्स कमा बार्स एंड यूटेंसिल्स। यूज्ड फॉर पूजा आर कैपिटल एसेट्स। ये डिसाइड हुआ कि वो कैपिटल एसेट है। इसी में मैं कंक्लूड थोड़ा कर दे रहा हूं। एंड हैंस ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट अमाउंट्स टू, एंड ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट अमाउंट्स टू कैपिटल गेन टैक्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अभी तक का आपको कैपिटल गेन वाला चैप्टर भी अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू, आज के लिए इतना ही। चलिए जाइए अपना मन पसंद वाला खाना खाइए। सर सर हाँ हाँ बोलो सर, स्टोन का नीचे जो आप लिखा है वो थोड़ा मेरा कट गया था, तो वो थोड़ा दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो आप लोग जाइए आराम से आपका पसंदीदा खाना खाइए एंड आराम से सो जाइए। ये रहा आपका स्टोन्स, इतना सही है स्टोन का। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर, ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।